नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ आप लोगों को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक हमारी आंटी हैं, वो गले में डोरी रहती हैं। अभी तो मेरे गले में वो नहीं है, लेकिन जैसे जिसके गले में दर्द होती है, स्पॉन्डिलाइटिस का कोई भी प्रॉब्लम गले में होती, तो डोरी गले में डाल दो आप, सारी दर्द दूर हो जाती है। तो मुझे तो बहुत विश्वास, मैं बहुत सारे लोगों को दे चुकी हूँ। आज मैं अपनी दीदी के लिए वो लेने जा रही हूँ। देखिए मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ, दीदी को डोरी देने जाना है मैंने। तो अभी आप बने रहिएगा, जहाँ से मैं डोरी ला रही ज़रूर देखिएगा। दीदी को डोरी लाऊँगी, फिर मुझे सिस्टर के यहाँ भी जाना है। उसको पता नहीं है मैं आज वहाँ आ रही हूँ करके, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि मैं तेरे लिए पौधे लाऊँगी, फल फूल लाने नहीं देती, इसलिए मैं उसके लिए चुपचाप से पौधे लगाने के लिए पौधे ले जा रही हूँ। मित्रों आप बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है? धीरे करना, ए सी का ले लेते ना थोड़ा। आज मैं एक नई जगह पहुँची हूँ। नई जगह क्या, मेरे लिए तो बहुत पुरानी जगह, क्योंकि मेरे गर्दन में जो स्पॉन्डिलाइटिस था, आंटी के इन डोरियों से ही मेरे गर्दन में दर्द ठीक हुई। आप देखिए, मेरी सिस्टर, मेरी मौसी, मेरी ताई, सारे लोग ये डोरियाँ पहन चुके हैं। सभी को फर्क होता है, सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। अभी भी मेरी दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है डोरी लाने के लिए। वो परसों आई थी, भटक गई थी, आंटी का घर नहीं मिला, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पर खुराना वाली गली में, दुर्गा मंदिर के सामने। आंटी दो मंजिले में रहती हैं। ये डोरियाँ, ये माता रानी का आशीर्वाद है। ये जिसके भी गर्दन में दर्द होते हैं, ये गले में पहनी जाती है डोरियाँ। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैं ले जा चुकी हूँ ये डोरियाँ। जिस लोगों को भी गले में, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो आएँ और इन डोरियों को ले जाएँ। ये तो अभी मैं इतने खरीद के ले जा रही हूँ, तब ये दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 50 रुपये की एक डोरी है ये, और आप जीवन भर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और गर्दन से कभी भी किसी भी स्थिति में ये गले से नहीं निकालना है। मैं यहाँ की आपको लोकेशन भी बाहर की भेजूँगी, आप कैसे कैसे आएंगे। ये अब जैसे आप खाना खाते हैं, अपना घर में खाना खाते हैं, तो ये देखिए मेजपोश है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे अपने बेड में आप ये मेजपोश को बिछा दीजिए, बस इसमें बैठ के आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मेजपोश को हटा दीजिए और कपड़े से इसको साफ कर लीजिए। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आंटी रखे रहती हैं। आप देखिए ये सारे फ्रिज कवर और कुशन कवर, सारी चीज़ें आंटी के पास, आप देखिए। और यहाँ पर कभी आप डोरी लाने के लिए, डोरी ले जाने के लिए आते हैं, ये देखिए फ्रिज का कवर, टीवी का कवर, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी क्वालिटी की, आप देखिए आप आके ले जा सकते हैं। यहाँ पर आके सारा सामान, सबसे मेन तो डोरी से ही है, डोरी के बाद आप ये चीज़ भी ले जा सकते हैं। अपने बिस्तर में बैठ, कहीं पर भी बैठ के खाना खाओ, बिस्तर में ही नहीं, नीचे जहाँ पर भी बैठते हैं इसको बिछा दो, उसके बाद इसको साफ कर लो। तो आप यहाँ पर आइएगा, मैं आंटी का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं आंटी का नंबर डालूँगी, आप लोग कॉल करके यहाँ आ सकते हैं डोरी लेने के लिए। यहाँ पे आ सकते हैं, सामने दुर्गा मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर के सामने ही आप देख लीजिए, यहाँ पर दो मंजिले में यहाँ पर मिलती है डोरी। है ये घर बना है दो मंजिले का ये, और यहाँ पर आप देखिए ये बुटीक है, ये खुराना हॉस्पिटल पर ही बुटीक है, ये तान्या बुटीक करके। यहाँ पर सीधे खुराना से आप इधर को आइएगा, आके आप डोरी यहाँ से ले जा सकते हैं। मेरी दीदी के गले में और ही दर्द है, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ डोरी ले जाने के लिए। अब ये देखो किलो पेड़ खा गई, तो गिफ्ट ला रही है, पकड़ो। आज मेरी बहन के यहाँ मेरी ईजा पहुँच गई है, ईजा दे रही है अमरूद का पेड़ गिफ्ट ईजा दीदी बहनी को, और दीदी दे रही, पकड़ो तुम आपको पेड़ उनका। फिर फल फूल क्या चाहिए, ये पेड़ तो सबसे बढ़िया गिफ्ट है। मिठाई ये खाती नहीं, मिठाई सबको वापस कर देती, इसलिए इसके लिए यही गिफ्ट सबसे अच्छा है। फिर पकड़ो, लग रहे फल देख तो सही, तो दीदी फल है देना थी हाथ में, तो पूरा मित्रों देखो, लो मेरा बाबू इसको पकड़ दो। ये देखो संतरे लगे हैं इसमें, आप देख सकते हैं, ये नहीं क्या कहते कागजी नींबू, और ये है अमरूद का पेड़, ईजा दे रही अमरूद का पेड़ गिफ्ट कह रहे, यहाँ सबसे बढ़िया। हाँ इसमें लगे ना, बस बस तभी तो लगा रहे हैं। और ये है मुन्नी की दीदी, और जिनने चश्मा पहना वो मेरी बड़ी दीदी है, मुन्नी की भी बड़ी दीदी, और ये मेरी सासू माँ, मुन्नी की भी सासू माँ, और ये हमारी मुन्नी है, ये मेरी छोटी सी बेबी है दीक्षू। तो अब हम लोग बैठते हैं अंदर। वो कौन सी शिला को के नाम मुझे सब पता हुआ है, जैसे का हर सिक्के की सच्चाई वो वाला क्या, वो ये बड़ा वाला होना होता है, मतलब मैं ये से कब बिलेट पे लो हाई मतलब है जान, मतलब चीन धरा नो मत पर चिंग गलिया में
एकदम मतलब चक्कर उड़ फटा खा लिया वो खावा तुम मिर्च खावा चिंटू खावा गुड़ खावा मेरे को गुड़ अरे पैदल चलना पड़ता है ना तो है। चार बजे साढ़े तीन घाम तो सिला तो बारिश जाए अभी आ रही मैं दीदी को दिखा के मैं गई थी हॉस्पिटल फल आ गया इसमें और मैं इसको लगा रही हूँ अभी और गाइस देखो ये पपीते का पेड़ भी वही लाई थी और मैं अभी लगा रही हूँ बरसात के मौसम में लग जाती हूँ देखो खूब फल आ गया आप लोग भी आइएगा कृपया इसको खाने के लिए नींबू का जूस पीने के लिए आना और संत क्या है वो अमरूद को खाने के लिए आना कृपया खूब आशीर्वाद दीजिएगा पता नहीं क्यों करती है इतना खर्चा मुझे तो समझ में ही नहीं आता है इसकी मौसी का क्या करें वहां से इतना पैसा बर्बाद करके लाती है और ये मैंने लगा दिया है कृपया इसमें खूब आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग भी आइएगा खाने को और उनको भी पहले मैं खिलाऊंगी। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरा पेड़ लगाने के। अब हम चल रहे हैं दूसरा पेड़ लगाने को वो है हमारा अमरूद का दूसरा पेड़ उसके लिए हमने यहाँ पर को बनाई है अपनी जगह यहाँ पर उसके लिए हमने जगह बनाई है उसको ले आओ तो दीक्षा दूर होता है इससे पर्यावरण बचाओ मौसी ये ध्यान ये ऐसा भी करती है और ये सब समाज सेवा करती है ये पर्यावरण बचाओ वाला भी काम करती है प्रदूषण बचाओ वाला भी काम करती है पौधों से प्रदूषण और ये लाती है वहाँ से अब देखो गाइस आप देख रहे हैं कृपया ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कब तक ये लगता है इसमें फल आएंगे तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे आपको हम ज़रूर बताएंगे मौसी के लाए हुए ताई के लाए हुए आमा के लाए हुए पेड़ों में फल आ गए हैं और आपको हम ज़रूर ये बात शेयर करेंगे आपको हम ज़रूर ये बात शेयर करेंगे जब ये फल खाने लायक होंगे फल तो आए ही हैं इनमें लेकिन ये खाने लायक के होंगे तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे भाई आप देखिए भाई मैंने गड्ढा खोद दिया है और अब मैं इसको सीधे लगा रही हूँ और ये मिट्टी से मैंने इसको ढक दिया है लग जाएगा तो कृपया खूब अमरूद का है इसमें अब
आशीर्वाद दीजिएगा, जो लाया उसको भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, जैसे ये फलेगा वैसे वो लोग भी फले फूले मस्त रहे, खूब आप लोग भी फले फूले और मस्त रहे, मस्त रहे खूब। अमरूद खाना कृपया आपके घर में नहीं होगी तो मेरे वहाँ आना खाने को, मैं जरूर आप लोगों को खिलाऊंगी। और लगा दिया फिर कृपया मैंने, चलो धन्यवाद, लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। गाइस मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ खो गई है इस जंगल में, आपको दिखेगी तो प्लीज बता देना मेरी मम्मी खो चुकी है।